बाढ़ पीड़ित इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए राज्य आपत्ति दल ने गुरुवार की सुबह पेंच जलाशय में महसूल विभाग के पटवारियों को प्रशिक्षण दिया। बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है, इसलिए पानी में कैसे ओबीएम बोट चलाया जा सकता है, उसे किस तरह कम समय में तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। ओबीएम बोट का प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक पेंच जलाशय में दिया गया। राज्य आपत्ति सहायता समूह ने पार्श्वनी तहसील पटवारी कर्मचारी और स्वयंसेवक तथा पत्रकारों को जानकारी दी। प्रशिक्षण और प्रात्यक्षिक शिविर का आयोजन पेंच जलाशय में किया गया था। राज्य आपत्ति दल के पुलिस उप निरीक्षक अजय कार सरपे ने उपस्थित सभी को जानकारी देते हुए ओबीएम बोट की जानकारी साझा की। मशीन बोट पर किस तरह फिट की जाती है, बोट में हवा भरने, बोट पानी में चलाते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ओबीएम बोट चलाते समय वह आगे पीछे किस तरह की जाती है, बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है, सभी प्रकार की मालूमात दी। विपरीत परिस्थितियों में मदद करने के लिए जाते समय सावधानियां बरतना जरूरी है। इस प्रकार का प्रशिक्षण पेंच जलाशय में प्रैक्टिकल कर दिखाया गया, जो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तहसीलदार प्रशांत सांगड़ी, नायब तहसीलदार राजाराम आड़े, राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल के पुलिस उप निरीक्षक अजय कायसरपे, नरेंद्र हादली, मनोज खंडाते, रोशन बुजाड़े, पंकज राय, भूषण संगीत राव, गजानन वरगट, संभाजी इंगवे, मंडल अधिकारी राजेश घोड़े, जगदीश मेश्राम, बबन जगदने, पटवारी मिलिंद दूधे, रितेश सवाईतुल, विश्वजीत पुरमकर, संदीप पालीवाल, गणेश चौहान, देवाशील देशमुख, अरविंद डोनारकर, ऋषि गोरले, स्वयंसेवक भूषण इंगुले, विजय भूते, रुपेश खंडारे, राजेश मकरे, भीमराव वागदरे, विजय ठाकरे, राकेश उके, अतुल मेश्राम, मंगेश उके, विशाल सहारे पुलिस पेचपाट बंधारे विभाग के कर्मचारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे। नमस्कार, मी पोलीस उपनिरीक्षक अजय कालसरपे, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नागपूर या ठिकाणी वरून आलेलो आहे। आमचे समादेशक श्री पंकज डहाणे साहेब, सहायक समादेशक श्री प्रमोद लोखंडे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही आपत्ती व्यवस्थापन नागपूर यातर्फे जे कलेक्टर ऑफिसतर्फे 10 OBM आणि 10 IRB बोट खरेदी करण्यात आलेले आहेत। त्यामधून 2 बोट आम्हाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाला प्राप्त झालेले आहेत आणि 8 जे बोट आणि OBM आहेत ते नागपूर जिल्ह्यातील विविध तहसीलला देण्यात आलेले आहेत। तर त्या अनुषंगाने आज पार्श्वनी येथे की तहसीलदार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आम्ही एक टीम रेस्क्यूकरिता आणि रेस्क्यूमध्ये काय काय अडचणी येतात आणि बोट कशा तयार करायच्या आणि त्यानंतर रेस्क्यूच्या मेथड काय आहेत, बोटमधल्या बचावाच्या टेक्निक्स काय आहेत, त्याकरिता आज आम्ही ह्या ठिकाणी तहसील कार्यालयातर्फे मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, त्यानंतर पटवारी आणि इथल्या तयार करण्यात आलेल्या नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या रेस्क्यू टीमकरिता हे प्रशिक्षण ठेवलेलं होतं। यामध्ये आम्ही आमच्या रेस्क्यू टीमतर्फे बोट OBM बोट कशा प्रकारे तयार करायची, त्याच्या प्रिकॉशन काय घ्यायच्या, बचाव पद्धती काय आहेत। BCN न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।